किसान आंदोलन का चौथा दिन गाजीपुर फ्लाईओवर पर लंबा ट्रैफिक जाम। सुबह काम पर जाने वालों को मुश्किलें, बैरिकेडिंग के चलते ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार। दिल्ली नोएडा के ट्रेला बॉर्डर पर ट्रैफिक का असर, रेंगती नजर आई गाड़ियां। ट्रैफिक जाम के बीच में फंसी दिखी एम्बुलेंस भी आम लोगों को भी परेशानी। टीकरी बॉर्डर पर भी सख्त सुरक्षा, किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के चलते पुलिस की तैनाती है। किसानों की मांगों के समर्थन में आज भारत बंद का ऐलान, दिल्ली समेत कई राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब में बंद का सबसे ज्यादा असर, बाकी हिस्से में मिला जुला असर। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज भारत बंद, हरियाणा में देखा भारत बंद का असर। केंद्र और प्रदेश के सरकारी विभागों के कर्मचारी, किसान, मजदूर देशव्यापी हड़ताल में शामिल, बड़े आंदोलन की चेतावनी। सीटू की तरफ से बंद का समर्थन, कई जगहों पर प्रदर्शन। पंजाब के प्राइवेट बस मालिकों का किसानों का समर्थन, आज पंजाब में सभी निजी बसें रहेंगी बंद। किसानों के भारत बंद का दिल्ली में नहीं दिखेगा असर, व्यापारियों ने सभी बाजार खुले रखने का ऐलान किया है। किसानों ने भारत बंद के आह्वान पर नोएडा में धारा 144 लागू, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सिंगू बॉर्डर पर सख्त है सुरक्षा, पुलिस की तरफ से कई लेयर्स में बाढ़ बंदी, पुलिस वालों ने किया मॉक ड्रिल, आंदोलनकारियों से निपटने की ट्रेनिंग। किसान और सरकार की तीसरी बातचीत बेनतीजा, रविवार को अगले राउंड की बैठक, शांति बनाए रखने पर सहमति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक को बताया सकारात्मक, कहा जल्द ही हम सब मिलकर समाधान निकालेंगे। सीएम भगवंत मान ने कहा पंजाब के जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद क्यों, किसानों पर ड्रोन के द्वारा की गई गोलीबारी पर जताई नाराजगी। बैठक के बाद बोले किसान नेता जगजीत सिंह गल्लेवाल ने कहा फेसबुक पेज दोबारा खुलने का मिला आश्वासन। बैठक के बाद किसानों का बड़ा फैसला, रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर पर आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से सीज फायर पर बनी सहमति। आज बिहार से यूपी के लिए रवाना हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तेजस्वी यादव दिखे साथ। सासाराम में तेजस्वी यादव जीप चलाते नजर आए राहुल गांधी के साथ, मीरा कुमार भी दिखे। चंदौली में राहुल गांधी की जनसभा, शहीद स्मारक तक पैदल यात्रा। चंदौली में प्रियंका गांधी करेंगे राहुल गांधी की अगवानी, अखिलेश यादव भी इसमें होंगे शामिल। अपना दल के नेता पल्लवी पटेल भी राहुल गांधी की यात्रा में होंगे शामिल, एसपी से नाराजगी के बावजूद इंडिया गठबंधन में मौजूद। आज प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा को देंगे बड़ी सौगात, राज्य को देंगे 9,750 करोड़ की सौगात। यह मोदी रेवाड़ी एम्स की रखेंगे आधारशिला, 203 एकड़ जमीन पर बनकर होगा तैयार एम्स। गुरुग्राम को मिलेगी मेट्रो की सौगात, प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली में शामिल होंगे, पीएम सभा को करेंगे संबोधित, सीएम खट्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान को 17,000 करोड़ का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में हुए महिलाओं पर अत्याचार पर एक्शन और सियासत जारी, अब तक 17 से ज्यादा आरोपियों की निगरानी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम आज करेगी संदेश खाली का दौरा, अग्नि मित्रा पॉल भी टीम के साथ जा रही है संदेश खाली। संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, बंगाल से बाहर जांच और सुनवाई की मांग। संदेश खाली प्रदर्शन में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लोकसभा प्रिविलेज कमेटी ने भेजा समन, राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी तलब। संदेश खाली पर राज्यपाल की रिपोर्ट को टीएमसी ने किया खारिज, राज्यपाल की रिपोर्ट को बताया आधारहीन और फर्जी। टीएमसी ने राज्यपाल को बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा संदेश खाली में आरोपी टीएमसी नेता को बचा रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अत्याचार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की, कहा संदेश खाली महिलाओं पर हुए पार्श्विक अत्याचार की नहीं हो सकती है माफी। हमने आना हो एना ये तदंत हो एवं हमरा चाहिए जे एदेर फांसी हो, मृत्युदंड छाड़ा द्वितीय कोनो शास्ति। टीएमसी की अंदरूनी कलह के चलते मिमी चक्रवर्ती ने सांसद पद से इस्तीफा दिया, स्थानीय नेताओं पर दखलअंदाजी का आरोप। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती के सांसद पद से इस्तीफा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषी ठहरा, कहा कि मुख्यमंत्री के राज में पार्टी और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बदतर। महुआ मोइत्रा को ईडी का समन, विदेशी मुद्रा में लेन देन से जुड़ा हुआ है मामला।
टीएमसी नेता देव और मुकुल रॉय पर गिरी ईडी की खाज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी। बिहार के दरभंगा सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा, दो समुदायों के बीच में झड़प। मणिपुर के चुरा चांदपुर हिस्से में दो लोगों की मौत, 42 लोग जख्मी। मणिपुर में 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, सुरक्षा सख्त। भिवंडी में कचरे के गोदाम में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुआ प्लास्टिक का सामान। प्रेमजी चिंचवाड़ में दो पुलिसकर्मियों समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज। एक अमीर दोस्त को गांजा मामले में फंसाने और जेल में डालने की धमकी देकर वसूले थे पैसे। कौशाम्बी में यूपी पुलिस परीक्षा से पहले 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार, एसपी बोली होगी कड़ी कार्रवाई, पूरे गैंग का पता लगाने में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाश ने दो युवकों को फावड़े और हथियारों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के बांदा में शादी समारोह में फायरिंग में एक मासूम की गई जान, नशे में धुत शख्स ने चलाई थी गोली, आरोपी गिरफ्तार। रामपुर में लड़की की आत्महत्या के लुकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, छेड़छाड़ से तंग आकर 13 साल की छात्रा ने किया था सुसाइड। सिवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान जेड ए इस्लामिया कॉलेज के पास मची भगदड़, कई मैट्रिक परीक्षार्थी घायल। हरियाणा से हरिद्वार जा रही कार गंगा नहर में गिरी, मौके पर मौजूद राहगीर ने बचाई कार सवार की जान। आगरा में आज तक रुक के चैनल किसान तक का किसान कारवा का आयोजन, किसान कृषि वैज्ञानिक और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कंपनीज भी शामिल। किसान कारवा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धानुका ग्रुप के चेयरमैन रामगोपाल अग्रवाल ने कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी की खाद खरीदें किसान। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया नोटिस। 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी इंडिया गठबंधन के युवा नेता, मोदी सरकार की नीतियों का यहां होगा विरोध। अपना दल कमीरबादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल राहुल गांधी की न्याय यात्रा में होंगे शामिल, राज्यसभा में एसपी उम्मीदवारों का विरोध किया था। हैदराबाद में भाग्य नगर अयप्पा सेवा समिति का फैसला, 12 दिनों तक अयोध्या में हर दिन लगभग 1,00,000 भक्तों को देंगे अन्नदान। हैदराबाद से रवाना हुए अनाज से भरे हुए ट्रक, समिति के लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का उद्घाटन किया। बिहार के हाजीपुर में बनकर तैयार हुआ पहला बंदरगाह, नेपाल से लेकर बंगाल तक नदी के रास्ते होगा व्यापार। दिल्ली में मना हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस, कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तेलंगाना के श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किए दर्शन, इस दौरान मोहन यादव ने पारंपरिक रीति रिवाज का रखा ख्याल।